फ्रेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडविन टेक्नोलॉजीज। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन्स फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। आज हम आपको सब्जी मंडी सॉफ्टवेयर को कैसे प्रयोग करते हैं और इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, कैसे ये आपके बिजनेस को हेल्प आउट करेगा, उस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये एक यूनिकोड ईआरपी सॉफ्टवेयर है, सब्जी मंडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। आड़त मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, वेजिटेबल मंडी, आप जो भी बोलें उसके लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट फीचर, व्हाट्सएप, सारे कुछ अपडेटेड है इसके अंदर। रिफ्रेश डैशबोर्ड है, आप जैसे ही डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। इस पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में अकाउंट, आइटम, सेल समरी, कुछ क्विक रिटेल मेनू दिए हुए हैं। यहाँ पे मास्टर्स मेनू है। मास्टर्स मेनू में आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है पार्टीज के, आपको अपने आइटम क्रिएट करने हैं, क्रिएट मार्का बनाने हैं, अराइवल टाइप, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, यूजर के राइट सेट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मास्टर में वन टाइम सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद एंट्रीज में आते हैं। एंट्रीज में आप देखते हैं कि यहाँ पे अराइवल और सेल की एंट्री होती है, सेलर्स के बिल, रिटेल चालान, डेली सेल क्या होते हैं वो होते हैं, क्रेट इश्यूज, क्रेट रिसीव, ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेटेड है। स्टोर ट्रांसफर, ग्रोवर सेल है, फिर उसके सारी रिपोर्ट्स बन के आती है। आपको जो भी लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, कंबाइंड लेजर, ग्रुप लेजर, उग्राही रजिस्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे कस्टमर्स की रिपोर्ट मिलेंगी सेल परचेज से रिगार्डिंग, जो भी आप सेल करते हैं, जो कलेक्शन करते हैं, जो पार्टी की डिटेल होती है, डेली की नकल्स होती है, वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। अराइवल रिपोर्ट मिलेगी, क्या क्या अराइवल आपने किया है, क्या अराइवल में एंट्रीज हुई है, कितने बिल पेंडिंग है, क्या लॉट का रिपोर्ट, क्या स्टेटमेंट है, सेल्फ परचेज क्या है, सेल्फ परचेज की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सप्लायर की परचेजिंग क्या है, क्रेट क्या है, क्रेट क्रेट इश्यू में आपकी टोटल क्रेट की रिटेल, आपकी क्रेट की रिपोर्ट, क्रेट की रजिस्टर, क्रेट का इश्यू टोटल, ये सारे लेजर पार्टी वाइज ये रहेंगे। इनकेस अगर आप होटल में भी ये सब्जी सप्लाई करते हैं तो होटल के क्रेट, कॉन्टेक्ट, ऑर्डर, सारी इंफॉर्मेशन आपने इस सॉफ्टवेयर में दे रखी है। दोस्तों बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे अवेलेबल अपडेटेड फीचर्स पड़े हुए हैं। स्टॉक की रिपोर्ट्स पार्टी वाइज, सेल्फ वाइज, पेंडेंसी रिपोर्ट सारी मिलेंगी। ई कॉमर्स के भी फीचर्स हैं, अगर आपको ई कॉमर्स के एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं तो उसके लिए आप अलग से हमें बता सकते हैं, तो आपके लिए ऐप भी बना दिया जाता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग हैं, आपकी एसएमएस के टैम्पलेट्स के ऑप्शन हैं, एक्सपेंस की सेटिंग के ऑप्शन हैं, तो ये बेसिकली सिग्नल पार्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम आपको एक दो एंट्री करके बताते हैं कि हाउ इट इज फंक्शन, कितना फास्ट है और क्या क्या चलता है इसमें। तो थोड़ा सा सेटिंग के बारे में बात करें आप, तो अगर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन मेनू में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ें प्रोसीड करने से पहले हमें यहाँ पे बेसिकली सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या इशू कराना चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं कराना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियर प्राइजेज इन सेल, अगर आपको सेल करते समय प्राइस को क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि अप्लाई कमीशन ऑन केजी, जो कमीशन का अप्लाईमेंट है वो केजी पे है, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो केजी पे नहीं आएगा वो। इसी तरह इंक्लूड लागा इन नेट प्राइस, नेट प्राइस में लागा लगाना तो यहाँ कर सकते हैं। इंटर वेट इन मन, मन जो होता है एक मन होता है 40 kg का, तो उस पर मन के अकॉर्डिंग वेट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर केजी में करना है तो यहाँ पे लागा के लिए कर सकते हैं। कमीशन की एंट्रीज करनी है, मार्केट की एंट्री करनी है, आरडीएफ की करनी है, बरदाना की करनी है, लाका की करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, ब्रोकरेज चार्जेस हैं तो आप कर सकते हो। अभी हम इसको अनचेक करते हैं। ऑटोमेटिकली राउंड अप कस्टमर अमाउंट, अगर किसी कस्टमर का अमाउंट राउंड अप करना है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चेक कर देते हैं। तो कस्टमर बिल नंबर रिक्वायर्ड है, प्रिंट डेली सेल बिल विद डिटेल्स, अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो लॉट नंबर के लेजर में शो करना है, मेंटेन सेल एजेंसीज अगर थर्ड पार्टी का है तो करना है, पिक फुल लॉट बैलेंस इन सेल, अगर सारा का सारा लॉट देखना है तो यहाँ से कर सकते हैं।
लॉट नंबर को डिसेबल करना है, तो ये सारी की सारी सेटिंग आपको करनी पड़ती है। कस्टमर का बिल किस नंबर से स्टार्ट हो, सपोज 01 से स्टार्ट हो, पार्टी रिमाइंडर डे जेट स्टार्टअप, कितने दिन में पार्टी का रिमाइंडर करना है, अगर हम इसको 3 दिन में करें तो 3 दिन में रिमाइंड आ पाएगा। यहाँ पे आप API QR कोड लगा सकते हैं, कमीशन एंड अदर चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, कार्ट का ऑप्शन है, बढ़ाना है इस पर परसेंटेज में नामना है, नंग में नामना है। तो बेटा तो दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको सेटिंग करनी। व्हाट्सएप API का फीचर भी दिया, अगर आपको फ्री भेजना है तो व्हाट्सएप फ्री भेजिए, और अगर व्हाट्सएप ब्लास्टर का यूज करना है तो उसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप उसको कंसल्ट करके उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फ्री API में करते हैं। क्रेडिट लिमिट वार्निंग ऑटोमेटिक राउंड ऑफ डिजिट डेट का फॉर्मेट, सो मैक्स डेट है आप उसको करंट डेट सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपको अप्लाई करना होता है, करने के बाद इसको अपडेट कर सकते हैं। हमने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, यहाँ पे ओपनिंग जो भी था, कैश बैलेंस, सारी चीज़ें आ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपने दे दिया फ्रूट की बात करें, जैसे हमने कहा ये ग्रेप्स, ग्रेप्स का हो गया। प्रिंट में क्या करना है, इसको भी ग्रेप्स ही करना है। कमीशन कितना है इसके ऊपर, जो भी आप आइटम में कितना कमीशन लगेगा वो कमीशन, मार्केट की फीस क्या है, RDF कितना लगना है, बढ़ाना कितना लगना है, लगा कितना लगना है, अप्लाई ऑन नंग, KG 10 KG 20 KG इस तरह से ये करना है। तो अगर हम इसको 20 KG कर देते हैं, और आइटम इन क्रेट में देखना है तो आइटम इन क्रेट वेट पर नंग 1 कैरेट का कितना वेट होगा, आपने 20 KG रख दिया, कार्ट पर नंग कितना लगेगा वो लगा दीजिए, इस तरह से आपकी आइटम एंट्री सेव हो गई। तो इस तरह से आप इसको आइटम एंट्री कर सकते हैं। अगर इसमें कोई अपडेट चाहिए तो आप यहाँ पे अपडेट कर, इसमें पेंसिल में क्लिक करेंगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो आपका आइटम भी अपडेट हो जाता है। इसी तरह से आप क्रिएट मार्कर कर सकते हैं, अराइवल टाइप कर सकते हैं कि अराइवल टाइप आपका क्या है, सेल परचेज है या पार्टी का स्टॉक है, तो हमने दोनों रखा हुआ है इस पे। अभी अपन एंट्री में चलते हैं, एक अराइवल करते हैं और एक सेल करते हैं। अराइवल की बात करें तो यहाँ पे हम, ये डैशबोर्ड है अराइवल का, आप इसमें अराइवल कर रहे हैं तो आप इसमें ऑटोमेटिकली आज आपकी 1 अगस्त की डेट दिखाई दे रही है। इसमें पार्टी का स्टॉक लेना है या सेल परचेज करना है, तो अपन पार्टी का स्टार्ट लिख सकते हैं, पार्टी के नेम आ जाएंगे, जैसे कि हमने पार्टी बना रखी है हंस वेजिटेबल्स। पार्टी कैसे बनाएंगे आप, वो मास्टर्स पे जाके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी पार्टी बन जाएगी। स्टोर क्या है, शॉप में डाल दीजिए इसको। आइटम नेम हमने ग्रेप्स ले लिया। लॉट नंबर और वैरायटी, लॉट नंबर आपको 2 डाल देना है, नंग कितना है आपके 20 नंग है, तो क्रेट टाइप यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। हमने डाल दीजिए A1, क्रेट की क्वांटिटी कितनी है 20, ये ऑटोमेटिकली आप वेट कितना हो गया 40, और आपके रेट क्या है 40 का वेट है, तो आपके रेट क्या लगा रहे हैं आप इसको ऐड कर लीजिए। इस तरह से ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे अगर अमाउंट चाहे तो अमाउंट भी डाल सकते हैं, और इसको ये आपका अराइवल आया हुआ है, इसको अराइवल में आप इसको सेव कर सकते। कितना आपके अभी मैसेज दे रहा है कि आपको मस्ट इंटर वैलिड चालान व्हीकल रेफरेंस नंबर, तो आपको ये मैंडेटरी होता है कि व्हीकल नंबर चालान नंबर दें, सो दैट कि आप इसको क्रिएट कर पाएँ। तो इसको हमने दे दिया ये व्हीकल नंबर चालान नंबर, अपडेट कर दिया इसको, और इसको हमने एक बार इंटर कर करके इसको अपडेट कर दिया, और इसमें क्रेट ले लिया, क्रेट की क्वांटिटी कितनी है 10 डाल दिया, कितना वेट है वो डाल दीजिए यहाँ पे 40 KG का है, और ये ऑटोमेटिकली GRRR नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, कोई टैक्स होगा टैक्स डाल दीजिए, अदरवाइज इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपकी अराइवल की एंट्री सेव हो गई। क्या अभी आइटम को सेल करना है, यस तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और अगर नो तो नहीं कर सकते। अगर अभी तुरंत सेल करना है तो इसको, ये तब होता है जब एक पार्टी से लिया और तुरंत उसको पल्टी कर दिया, जैसे हमने फॉर सेल फ्रेश सेल डाल दीजिए। आइटम है आपका ग्रेप्स, कस्टमर है आपका ABC, और
नेट रेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नेट रेट लगाना है। तो नंग कितना दिया आपने इसको, 15 नंग दिया। मन कितने हैं, 5 मन, मतलब 200 केजी, लूज में 1 केजी, तो 201 केजी आ गया। रेट क्या लगाएंगे आप वो लगा लीजिए। यहाँ पे रेट आपने लगाया जैसे 75 रुपीज पर केजी, ये आ गया। तो बेसिक अमाउंट कितना आएगा, मार्केट कमीशन ले ली 2%, 400 रुपये कमीशन हो गए। क्रेट क्वालिटी कितनी है, लागा कितना, क्रेट मार्क का एवर चूज कर लीजिए, एवर और ये। तो इस तरह से 402 रुपये आपके टोटल अमाउंट आए। 402 रुपये किस अमाउंट से हिसाब से आए हैं, 201 रेट जो है आपका लगा हुआ है। नेट रेट आपको यहाँ डालना है एंटर करने के बाद। नेट रेट हमारा 75% है पर केजी, तो आपका ये आया। इस तरह से रेट आपका आएगा और इसको हम सेल कर देंगे। इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि आपका सेल हो गया है। यहाँ पे सेल टोटल लंग 15 है, टोटल वेट 201 किलोग्राम है, बेसिक अमाउंट इतना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस टोटल सेल इस तरह, और इसको हम कर देते हैं सेल। इस तरह से आपकी सेल ट्रांजेक्शन हो गई। तो मेक सेलर बिल एज पर क्लब रेट एवरेज एज इट इज, मेक बिल आप इसको एज इट इज बनाना है तो एज इट इज कर दीजिए, और इस तरह से बिल बन जाएगा आपका। सेलर का बिल बनाना है तो कैश में बना दीजिए, या तो पार्टी का दे नाम ले लीजिए, पार्टी हंस एंटरटेनमेंट का हमने ABC बनाया था। तो जो बेच रहे हैं वो हमने फॉर्मर 2 को बेच दिया, व्हीकल नंबर डाल दिए, आइटम नेम ग्रेप्स, लॉट नंबर 3, नंग 2, वेट 45 kg, रेट 75 पर केजी, 375। ये इस तरह से हमने सेलर का बिल कर दिया। ग्रेप्स हमने एक बार सेलर को बेचा, एक दूसरी पार्टी को बेचा। अगर कोई चार्ज लगाना लगा सकता है वह इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से चालान बन गया, इसको प्रिंट करना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने सेल की रिपोर्टिंग कर ली। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका बिल मेड टुडे 1 ये दिखा रहा है और पेंडिंग बिल 1 दिखा रहा है। सेम यहाँ पे अगर आप अराइवल की बात करें, पार्टी स्टॉक 1 20 नंग, रजिस्टर न्यू स्टॉक आपका सिर्फ 39 नंग आ गया इस्तेमाल। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। उग्राही रजिस्टर अगर खोलेंगे आप तो ये आपका दिखा रहा है ABC को इतना ओपनिंग बैलेंस था, 29, 30, 31, 1, 1 तारीख को क्या गया है ये टोटल। ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप वाइज भी आ जाएगा, अल्फाबेटिकली देखें तो एरिया वाइज देखो, सब तरह से आप देख के इसको उग्राही रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। सो डेली बैलेंस निकालना है तो डेली का बैलेंस देखेगा, और इनकी प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेल करना, अराइवल करना इसमें बहुत आसान है। अराइवल की आपने देखी, सेल की बिल देखी, इसमें आप इस तरह डेली सेल भी दे सकते हैं, क्रेट इशू कर सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो कीप वॉचिंग आर वीडियोज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब वंस अगेन आर चैनल, एंड प्लीज़ बिल नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।